Hello, friends. Communication concepts and techniques welcome you all. Today, we have got a very important topic, and the topic is how to write an effective notice. Of course, we have heard this notice term a lot many times in our schools also because teacher told us you know you have got a notice you have to go through the notice in order to get a particular information in office if you are working you might have heard many a times you know the notices are there through which important information is circulated across today we will learn about how to write a notice with an exact format of it and with certain examples so let us go ahead in order to see how we ourselves can create a wonderful and effective a purely business notices let us go and of course it is useful for school going uh, children also uh, for the students who are studying for, uh, I think you know it starts from 7th, 8th, 9th and 11th and 12th also it, it is it is highly relevant to produce you know uh, notices and it is a part of their curriculum their syllabus uh, in, in colleges also when you talk about you know any communication paper there also you have this paper uh, you have this uh, uh, topic in your communication paper where you are asked to write uh, notice so it is very important and of course we, we ourselves have to go through a number of notice because of uh, collecting various important information and at times we are supposed to create notice uh, in order to circulate particular information to all so let us see what all is about this notice today फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो अबाउट वॉट इज़ अ नोटिस सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोटिस क्या होता है वॉट ऑल इज वट इज़ अ मीनिंग ऑफ नोटिस एक नोटिस का मतलब क्या होता है इसका मीनिंग क्या है इसका स्कोप क्या होता है सो नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल्स आप समझते हैं जिसमें विदिस विच इज़ फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे लिखने की जो एक राइटिंग स्किल्स है या मेज़रमेंट्स की या जो हम एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो नोटिस इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ रिटर्न टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफकोर्स मीटिंग ये जो नोटिस है दिस इज़ नॉट फॉर वन और टू पीपल

या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या जो नियर फ्यूचर में होने वाली है कोई प्रोग्राम है कोई कंपटीशन है या कोई नया सर्कुलर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए हम नोटिस के लिए नोटिस सर्कुलेट करते हैं इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट कंपटीशन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नोटिस किसी भी तरीके की हो सकती है नोटिस बहुत सारे प्रकार की होती हैं कोई एक या दो या दस तरह की नोटिस नहीं होती बल्कि नोटिस किसी भी चीज को जिसमें बहुत जो जो मेन चीजें होती हैं जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं वो है अपकमिंग इवेंट्स तो जितनी सारे इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे हमको कैसे पता पड़ते हैं ऑफ कोर्स वी इट कम्स टू अस थ्रू अ थ्रू अ पीस ऑफ नोटिस वी वी हैव वी हैव रेड इट और अवर फ्रेंड हैड हैज रेड इट फ्रॉम समवेयर सो यू ऑफकोर्स नोटिस इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गेट्स सर्कुलेटेड इन अवर ओन ग्रुप देन कॉम्पिटिशन बहुत तरह के कॉम्पटिशन्स होते रहते हैं इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन इंटर स्कूल कॉम्पटिशन इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी हमको नोटिस के थ्रू ही पता पड़ता है लॉस्ट एंड फाउंड अगर किसी का कुछ खो गया है या किसी को कुछ मिला है सो ऑफकोर्स नोटिस इट इज पेस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड सो दैट एवरीबडीज हुट

या हमारे टाइम टेबल में कोई अंतर आ रहा है या कोई हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होना है जितने भी तरह की जो कॉम्पिटिशन्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमको नोटिस के थ्रू ही मिलते हैं सो ऑफकोर्स नोटिस हैज गॉट अ वेरी बिग प्ले रोल टू प्ले इन आवर लाइफ इट इज़ जनरली रिटर्न इन अ फॉर्मल टोन मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हमारी लिखने की स्टाइल होती है नोटिस को वो फुल ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़ होती है वी टेक केयर ऑफ एनी एवरी थिंग एंड एनी थिंग वैन वी आर प्रोड्यूसिंग नोटिस नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट नोटिस हमेशा फैक्ट्स पे ही बेस्ड होती है ऑफ कोर्स जो नोटिस में लिखा है वो हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक होना चाहिए कन्फर्म्ड होना चाहिए जब हमने एक बार नोटिस सर्कुलेट कर दिया है तो हमें सारी चीजें कन्फर्म करके ही नोटिस सर्कुलेट करनी चाहिए हम बाद में उसमें चेंजेस करेंगे फिर सारे लोगों को दोबारा इन्फॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है वी हैव टू टेक एवरी केयर वेन वी आर प्रोड्यूसिंग अ नोटिस वेन यू आर पेस्टिंग अ नोटिस एंड लैंग्वेज यूज सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज हम जितनी सिंपल रखेंगे वी हैव टू जस्ट यूज अ सिंपलेट लैंग्वेज अवेलेबल सो दैट एवरीबडी कैन कंफर्टेबली अंडरस्टैंड इट देर शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड और यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज और यूज ऑफ वेरी यू नो डिफिकल्ट जार्गन दट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री वी शुड ट्राई टू कीप इट एज ईजी एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेक इट यूनिवर्सल दे आर टू पुट अपन डिस्प्ले बोर्ड स्कूल कॉलेज ऑफिस में एक स्पेसिफाइड प्लेसिस होते हैं एक नोटिस बोर्डस होते हैं एक नोटिस लोकेशन होते हैं नोटिस कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे चाहे स्कूल हो कॉलेजेस हो ऑफिस हो जहाँ पे जो मैगजिम लोग जहाँ से पास थ्रू होते हैं सो दैट दे कैन गो थ्रू द नोटिस दे कैन जस्ट स्टे देयर फॉर अ मोमेंट ऑल टू एंड दे कैन जस्ट हैव ग्लिम्स ऑफ नोटिस अवेलेबल इन टू द बोर्ड एंड दे में इमीडिएटली गेट इन्फॉर्म थ्रू दिस आजकल हम मेल्स uh, पे भी नोटिसज जो हम नोटिस बोर्ड पर पेश करते हैं उसकी कॉपी हम मेल्स पर भी डाल देते हैं बिकॉज यू नो इट इज़ अट इज़ अ एज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल फोन्स सो पीपल इमीडिएटली यू नो कम टू नो थ्रू ओपनिंग देयर मोबाइल फ़ोन दैट इफ एनी रिसेंट एनी न्यू नोटिस हैज़ कम अप टू देयर इन बॉक्स तो ये चैनल्स होते हैं नोटिस को सर्कुलेट करने के अब आगे हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि नोटिस पॉइंट्स टू इंक्लूड नोटिस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करती है व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ नोटिस किन किन चीजों को हमको नोटिस में शामिल करना है या एक वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट नोटिस के क्या क्या होते हैं एक नोटिस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो सबसे इसमें ऑल डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होते हैं उससे हमें पूरा नोटिस का नोटिस की जानकारी मिलती है हमें सारे नोट डब्ल्यू एच क्वेश्चन कवर करने चाहिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन मीन्स वेयर वी हैव डब्ल्यू एन एच लेटर्स एंड यू नो ऑफ कोर्स दे आर आज क्वेश्चन फॉर्म्स तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का हमें आ, हमें एक अच्छे नोटिस बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए सो फर्स्ट इज़ वॉट इज गोइंग टू हैपन हमें उस पूरी कार्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए जो कॉम्पिटिशन है सिंगिंग कॉम्पिटिशन है डांसिंग कॉम्पिटिशन है ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है गेम्स हैं इसकी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए उसका स्केड्यूल हमें पूरा पता होना चाहिए अगर हम उसके बारे में नोटिस लिख रहे हैं तो अगर हमारे एग्ज़ाम में आए तो हमको ये सारी बातें सोच के एक तरफ लिखनी पड़ेंगी रफ़ ड्राफ्ट में कि हम किस कार्यक्रम के लिए नोटिस लिख रहे हैं किस रीज़न के लिए नोटिस लिख रहे हैं दूसरा इट विल टेक प्लेस वेयर इट विल टेक प्लेस उस उस नोट उस आ, एक्टिविटी का लोकेशन क्या रहेगा हमारा जो है सेमिनार हॉल रहेगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा कि प्ले रहेगा तो ये कि एग्ज़ामिनेशन रूम रहेगा कि क्लास रूम रहेगा कॉरिडोर रहेगा तो हमें उस एक्टिविटी के लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए तो वी हैव टू बी वेरी मच कन्फर्म अबाउट लोकेशन की जो हम जो प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या रहेगी एंड थर्ड इज़ वेन इट विल टेक प्लेस ऑफ कोर्स टाइम हमें एकदम कन्फर्म होना चाहिए डे डेट एंड टाइम दीज थ्री यूनिटीज हैज़ टू बी क्वाइट कन्फर्मड वेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ नोटिस किस दिन होगा कितने बजे से कितने बजे तक होगा एंड ऑन वॉट डे सो दीस थ्री थिंग हैज टू भी कन्फर्म्ड हमको चेक कर लेना चाहिए कि हॉलीडे तो नहीं है कभी कभी गलती से हम नोटिस निकाल दिया हमने दिन नहीं देखा तो हमने उसमें हॉलीडे था संडे था सो पीपल जनरली यू नो संडे इज यू नो वीकली ऑफ सो इट इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम देन यू गिव कॉरिजेंडम ट नोटिस कॉरिजेंडर मीन भूल सुधार आपने पढ़ा होगा न्यूज, न्यूज में आपने देखा होगा तो ऐसी सिचुएशन ना है तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कोई फेस्टिवल तो नहीं है कोई हॉलीडे तो नहीं है ना कोई संडे तो नहीं पड़ रहा है अगर संडे को ही हम एक्टिविटी रख रहे हैं तो बात अलग है लेकिन हमें आप एक बार कैलेंडर पे डेट और डे दोनों चेक करना चाहिए फिर उसके बाद डेट डिसाइड करनी चाहिए हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल फॉर इट सपोज इफ इट इज अ कॉम्पिटिशन तो किस क्लास के बच्चे उसमें जा सकते हैं किस सेक्शंस के बच्चे हैं किस एज ग्रुप के बच्चे हैं या किस वो स्टूडेंट्स किस किस uh, uh, किस मेंटल uh, लेवल uh, को बिलोंग करने चाहिए जैसे हम देख रहे हैं अप टू फर्स्ट ईयर अप टू कॉलेज लेवल अप टू यूनिवर्सिटी लेवल सो वी हैव टू डिसाइड इट दैट हु कुड बी एलिजिबल फॉर इट फॉर अवेलिंग द इंफॉर्मेशन इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल द इंफॉर्मेशन ऑफकोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द पर्सन हु आर द स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्राउड फॉर विच दिस नोटिस इज बींग क्रिएटेड वो कौन लोग हैं जिससे ये नोटिस को रिलेट करती है या जिससे कनेक्ट करती है हमें उसका पता होना चाहिए एंड हु टू कॉन्टैक्ट और इन सारी सपोज अगर कोई कॉम्पिटिशन है हमें उसमें नाम देना है अपना इस नोटिस में इसमें इस जो है का, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस, उस व्यक्ति का नाम उसका मोबाइल नंबर दिस एवरी डिटेल हैज़ टू बी गिवन इन ऑन द नोटिस इट्सल्फ सो दैट पीपल फाइंड एग्जैक्ट प्लेस टू एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट टू टॉक टू एंड गिव यू नो नॉमिनेशंस

लेकिन अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि पॉइंट्स टू रिमेंबर हमें नोटिस क्रिएट करते टाइम क्या क्या बातें याद रखनी है सबसे पहले क्या आता है ओनली इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोर्स नोटिस बहुत बल्कि नहीं होनी चाहिए नोटिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग राइट अप इट इज इट हैज टू बी रिटन हार्डली इन फाइव टेन सेंटेंसेज नोटिस हैज टू गेट कंप्लीटेड वी डोंट हैव गॉट मच स्कोप टू कीप राइटिंग ऑन इट कीप राइटिंग अबाउट इट कीप राइटिंग अबाउट इट वी हैव टू जस्ट कीप इट शॉर्ट सिंपल एंड स्ट्रेट so that is why we have to just take most important point what particular information we want to convey we have just decided that particular information or if it is two information we have divided into part a or b and then it can be you know notice can be written on the basis of that the sentences must be short and grammatically correct it is always there it has to be written in passive voice always

किसी कुलीग को या आपने किसी पीयर ग्रुप को पढ़ा के देख लीजिए कि वॉट एग्जैक्ट मीनिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट वट यू हैव रिटन एंड वॉट ही और शी इज अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए कि मैंने लिख दिया मुझे समझ में आ रहा है लेकिन आप पढ़ के बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है आर यू क्लियर अबाउट द प्रोग्राम आर यू क्लियर अबाउट द डेट आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट आर यू क्लियर अबाउट द लोकेशन लोकेशन मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि नहीं बिकॉज लोकेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिस्क्राइब लोकेशन में हमको लैंडमार्क्स भी देने पड़ते हैं लोकेशन में हमको पिन कोड भी देना पड़ता है लोकेशन अगर लोकेशन uh, में हमको जो है पूरी डिटेल्स होनी चाहिए सो पीपल जो गेट गेट पीपल गेट रीच टू द एग्जैक्ट लोकेशन वॉट इज गिवेन देयर फॉर द यू नो गिवेन थ्रू द नोटिस फॉर द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड अल्टीमेटली अ नोटिस मस्ट अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन मैंने एक आइडा वीडियो पोस्ट किया था अगर आपने पढ़ा हो हम कुछ भी क्रिएट करते हैं आइडा हैजू बी टेकन इन टू अकाउंट वेयर ए स्टैंड फॉर कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर और द व्यूअर सो सबसे पहले हमें क्या रीडर का अटेंशन ग्रैप करने वाली चीजें होनी चाहिए नोटिस हैज बी क्रिएटेड सच अर् वर्ड सच असरी दैट इट इमीडिएटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर नोटिस मीन पीपल आर रेडी टू पे

टाइम्स रोमन ऑल्सो एंड मेनी अदर यू नो वेरियस काइंड ऑफ यू नो फॉन्ट स्टाइल्स आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर सो वी हैव टू चेंज इट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव सो दैट इट विल फैसिलेट अल्टीमेटली टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द तो उससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी ऑफकोर्स रीडेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नोटिस ज्यादा सक्सेसफुल होता है दैट इज अ गुड आर्ट गुड स्किल ऑफ राइटिंग नोटिस दैन वी जस्ट प्रोसीड टू पार्ट ऑफ अ नोटिस एक नोटिस में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फॉर्मेट की बात करेंगे फॉर्मेट स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं अभी हम बात करेंगे कि हम नोटिस लिखते टाइम कौन कौन से हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं व्हाट आर द व्हाट आर दोज हेडिंग्स व्हाट आर दोज नॉमिन क्लेचर अंडर विच वी पुट कॉन्टेंट्स ऑफ अ नोटिस सबसे पहले आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा ऑफिस है जो कि नोटिस प्रोड्यूस कर रहा है सेकेंड टाइटल नोटिस नोटिस एज इट इज लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर आप एक बो कैप्स में आपको नोटिस लिखना है उसको अंडरलाइन भी करना है उसको बोल्ड भी करना है सो नोटिस हैज टू कम इनटू द नेम ऑफ नोटिस ओनली अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपको नोटिस एक अच्छे फॉन्ट साइज में आपको उसको लिखना है सो दैट इट गेट्स नोटिफाइड इन द नेम ऑफ नोटिस ओनली A heading to introduce the subject of the notice of uh, heading. Dalte. Heading of the notice that immediately notifies people that this program or this competition is going to take place. Like essay writing competition is going to take place in our college. So this could be a heading of it. Then the date, you have to be quite sure about date. You have checked it uh, through the calendar already. So you are sure about day, date, and time. So you have to put these date schedule details on the notice and you have to cross-check it also before publishing it. द बॉडी ऑफ द नोटिस ऑफ कोर्स बॉडी ऑफ द नोटिस वो थ्री फोर फाइव सेंटेंसेज जो है आपको थर्टी फोर्टी वर्ड्स मिले हैं उसमें आपको अपनी पूरी बात कहनी है आपको टाइटल बताना है प्रोग्राम का आपको उसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं ये बताना है हु कैन पार्टिसिपेट हु कैन नॉट पार्टिसिपेट वट इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग वट इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बींग अ पार्टिसिपेंट इन टू द प्रोग्राम इन टू द कॉम्पिटिशन ठीक है ना तो और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कैसे पूरी होंगी ये सारी बातें आप उसमें बॉडी में लिखते हैं द राइटर सिग्नेचर नेम जो उसको इशू कर रहा है जो अथोराइज अथोराइज सिग्नेटरी है जिसने uh, जिसने उसको जो अंडर साइंड है उस नोटिस का अंडर साइंड मीन्स जिसने नोटिस इशू किया है या जिसके नाम पे नोटिस इशू किया गया है ही इज़ कॉल्ड अंडर साइंड तो अंडर साइंड का नाम उसका डेजिग्नेशन ये सारी डिटेल्स साफ साफ उसमें आनी चाहिए सो दैट इट इमीडिएटली पीपल कम टू नो हु हैज इश्यूड इट ऑन ऑन द टॉप ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ ऑलरेडी रिटन सो पीपल कैन थिंक फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन द अंडरसाइंड दिस फेलो हैज़ इश्यूड अ नोटिस हम इसके बाद बात करेंगे इसके फॉर्मेट की फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल आराम से समझ लेंगे कोई डिफिकल्टी नहीं है फॉर्मेट पे बस बसरती आप कंटेंट वाइज क्लियर हो गए हो जो मैंने अभी तक समझाया है सबसे पहले आप इसमें नाम लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो इशूइंग द नोटिस जो इशू कर रहा है नोटिस उसका नाम आना चाहिए उसके उसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम कॉलेज है तो कॉलेज का नाम अगर ऑफिस है तो आप इसमें लिख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सो नेम ऑफ़ द ऑफिस मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यू कैन राइट द नेम ऑफ इट देन नोटिस देन यू विल राइट नोटिस एज इट इज़ सो दैट पीपल कम टू नो इट हैज़ टू गेट नोटिफाइड इन द नेम ऑफ नोटिस ओनली उसके बाद हम लिखते हैं हेडिंग मेन जो टाइटल है और टाइटल ऑफ द नोटिस फिर डेट उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर मीन्स यहाँ नोटिस में मेन कॉन्टेंट आता है क्या प्रोग्राम है कब हो रहा है कहाँ पे हो रहा है कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के क्या क्या रूल्स रेगुलेशनस हैं ये पूरी फाइव सिक्स टॉक्स हम बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल क्रिस्प एंड बिल्कुल ब्रीफ तरीके से फाइव सिक्स लाइन्स में लिखते हैं उसके नीचे जो अथोरइज सिग्नेटरी है और जो जिसने इशू किया है जिसने नोटिस लिखा है वो जो है इसमें इसमें साइन करेगा और उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन ये दोनों जरूर रूप से सही तरीके से लिखा होना चाहिए और इसमें अगर आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि एब्रीविएशन लोगों के समझ में आने चाहिए इफ़ इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ एब्रीविएशन या ऐसा एब्रीविएशन है जो कि केवल आपके आपके ऑफिस में या आपके आपकी संस्था में ही जाना जाता है सो इफ़ यू इट इज़ अ पब्लिक नोटिस ऑलवेज गिव अ फुल फॉर्म ऑफ इट डोंट यूज़ द प्रेवलेंट काइंड ऑफ एब्रीविएशन विच इज़ विच इज़ यूज इन योर ऑफिस ओनली विच इज़ नॉट पब्लिकली नोन तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि नोटिस में कभी भी आप एब्रीविएशन यूज ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है एंड राइटिंग नोटिस राइटिंग टॉपिक्स तो यहां मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनके ऊपर जनरली नोटिस लिखने को आते हैं ऑफ कोर्स इज अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स वी कैन हैव वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन विच पीपल कैन बी आज टू राइट नोटिस और यू स्टूडेंट्स ऑफिस पीपल कैन बी आज टू राइट नोटिस बट हियर आर फ्यू ऑफकोर्स दीज आर गुड टॉपिक्स like you you are writing a notice on a competition uh, you can write a notice on excursion trip lost and found inauguration exhibition blood donation or any other topic that may please you that that you want to write on it and that appeals to you so you can just practice on the, any of these topics and of course i have for example you know how would you do it how it should look like how you know a uh, good written uh, uh, an effective notice should look like i have given a you know uh, this example of it so this could be kept in the form of a question for your practice also uh, the question says you are rahul head boy of abc convent school your school is going to organize an inter college singing competition write a notice for your school notice board inviting names of all the interested in students तो इसमें सबसे पहले हमने इसको लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले हमने नोटिस डाला कि दिस इज नोटिस वी आर कन्फर्मिंग दिस इज अ नोटिस फिर हमने संस्था का नाम ऑर्गेनाइजेशन नेम ए बी सी कॉन्वेंट स्कूल डाला देन ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन फर्स्ट मार्च इट्स टू थाउजेंड ट्वेंटी देन वॉट इज द टाइटल और वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम that is inter school singing competition it is very clear very simple people may understand inter school means other schools can also participate in it. it is not only within the school rather it is invitation to all the nearby schools of that area so it is inter school singing competition so the notice has to be written in the style i just read it slowly for you so that you can hear and understand the concept what we were talking about in the previous slides our school is organizing an inter school singing competition on March 19, 2020, Tuesday at 12 pm in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will participate. Interested in students may contact the undersigned latest by March 10, 2020. This is issued by, written by, सर्कुलेटेड बाय पब्लिश बाय राहुल द हेडबॉय सो बिल्कुल तीन चार लाइन में हमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें मिल गई है दिस इज अ गुड एग्जाम्पल सो राइटिंग नोटिस इज नॉट अ डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इफ यू इफ यू प्रैक्टिस इट अब इट ऑफकोर्स यू कैन जस्ट ग्रो एज एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग नोटिस इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल यू नो क्राफ्ट बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू गेट एवरी टाइम बेटर ऑन इट सो थैंक यू वेरी मच फॉर Listening to the talk. This was brought to you by Communication Concepts and Techniques. And if you have liked the the issue that was raised today, writing effective notices. Of course, you are requested to please subscribe the channel. Thank you very much for patient listening.